हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मदर सन सुमी के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, मदर सन सुमी की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 220.20 का हाई बनाया और लो बनाया 215.05 का। टोटल 54,35,568 वॉल्यूम ट्रेड किया गया और 218.65 के ऊपर कल बंद हो गया था। अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 69,000 आप देख सकते हैं, यहाँ पे 69,048 करोड़ रुपये है और इसका 52 वीक लो है 102.30 का और हाई है 272.85 का। ऑल राइट दोस्तों, मदर सन सुमी को लेकर के एक खबर है, खबर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए देखते हैं। मदर सन की तरफ से बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया है कि मदर सन आइस एक्विजिशन एज पैंडमिक प्रेजेंट्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, पैंडमिक की वजह से जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, इसको देखते हुए मदर सन की तरफ से ये एक्विजिशन का कंसेप्ट इस समय बहुत ज़्यादा फोकस में है। एक्विजिशन का मेरा मतलब या कंसेप्ट ये है कि मदर सन सुमी सिस्टम लिमिटेड की तरफ से ये स्टेप लिया जा सकता है कि ये जो भी ग्रोइंग बिजनेसेस हैं, जिनके बिजनेसेस कोरोना वायरस के पैंडमिक की वजह से चलने वाले तो थे लेकिन नहीं चल पाए क्योंकि कोरोना वायरस का पैंडमिक आ गया, तो ऐसे लोगों को एक सपोर्ट चाहिए, एक पार्टनर जैसी चीज़ चाहिए और ऐसी कंपनीज या ऐसे पार्टनर्स की तलाश को पूरा करने के लिए मदर सन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड जो है पूरी नज़र लगा के बैठा पड़ा हुआ है। जी हाँ, नज़र टिकाए बैठा है कि ऐसी सिचुएशन का मौका, ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए पूरा भरपूर तरीके से। देखिए, कंपनी की अगर हम बात करें, मदर सन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें, तो देखिए 230 फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस 41 कंट्रीज। जी हाँ, 41 कंट्रीज़ में इनके 230 फैसिलिटीज़ हैं, इवन 5 कॉन्टिनेंट्स में भी हैं और ये बहुत सारे पोटेंशियल कंपनीज़ के साथ टेक ओवर की बातचीत में लगातार लगे हुए हैं। राइट, इनकी तरफ से बताया गया, दे आर इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू मेक एक्विजिशंस इवन इन वॉलेटाइल एनवायरमेंट। आर बैलेंस शीट हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर सिंस OEM स्टार्टेड रीओपनिंग देयर प्लांट्स बिगनिंग लास्ट अक्टूबर एंड वी कुड बिगेन रैम्पिंग अप अगेन। MSSL चेयरमैन विवेक चंद सहगल की तरफ से सारी बातें बताई गई। दोस्तों, कंपनी का जो क्राइटेरिया है नई कंपनीज़ को एक्वायर करने का, वो बिल्कुल सेम है जैसा पहले था, कुछ चेंजमेंट नहीं किया गया है। राइट, अनप्रेसिडेंटेड गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज जो अराउंड द वर्ल्ड ऑफर किया जा रहा है, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लगती है इनको, जिसके चलते बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। राइट दोस्तों, यहाँ पे एक इनका स्पेशल टारगेट है 2025 तक का, इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, इनकी ऑर्डर बुक जो है अक्रॉस वर्ल्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इनका हेल्दी है, काफ़ी बना हुआ है अच्छे से और ये 17 क्वार्टर्स में से अभी तक सबसे ज़्यादा इनका जो डेट है, कर्जा है, वो लोवेस्ट देखा गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, यहाँ पे विजन 2025 जो है इनका जो टारगेट है 5 सालों के अंदर टॉप लाइन ले आने का, यानी टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जनरेट करने का 36 बिलियन $36 है, जो कि 40% के साथ है ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, ये एक बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए टीम वर्क चाहिए, इंटेंस शेयरिंग एंड स्पिरिट ऑफ ग्रोइंग टुगेदर, यानी साथ साथ साझा करके एक मजबूत इच्छा चाहिए इस चीज़ को करने के लिए और पाने के लिए एक बढ़िया टीम वर्क चाहिए। और कंपनी की तरफ से बताया गया है कि दे आर मूविंग इनटू न्यू जियोग्राफिक्स, एंटरिंग न्यू मार्केट्स, फॉर्मिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड टेकिंग ऑन न्यू क्लाइंट्स।
As family, we are stepping up to meet these new challenges together. ये सहगल जी की तरफ से बताया गया. राइट तो दोस्तों 36 बिलियन यूएस डॉलर के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को अचीव करने का जो इनका 5 साल का टारगेट है विजन 2025, इसके अंदर अगर हम देखें तो 75% जो ये ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ से और 25% न्यू डिविजन्स जैसे कि एरोस्पेस है, लॉजिस्टिक्स है और हेल्थ एंड मेडिकल सेगमेंट से अचीव करना चाहते हैं. राइट कंटिन्यूसली लास्ट के 28 सालों से मदरसन ग्रुप जो है लगातार धीरे धीरे ही सही ग्रो करता रहा है और इनका टॉप लाइन इन जो है सीएजीआर से 33% से निकल के आगे बढ़ा है सिंस 1993. राइट चलिए खैर ये बातें आपको पता होनी चाहिए. देखिए चलिए खैर ये मैं आपसे क्या मैं बता ही देता हूँ. देखिए 2021 में अगर हम बात करें तो 8.2 बिलियन डॉलर का इनको जंप देखने को मिला, जबकि आप देखिए 1993 में सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन यूएस डॉलर था, मिलियन था जी हाँ. अब ये 8.2 बिलियन तक पहुंच चुका है. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. राइट अब ये सीएजीआर की बात हो रही है दोस्तों. चले खैर आपसे आगे कुछ और चीज़ों के ऊपर बातचीत करूंगा, लेकिन हाँ मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड को लेकर के ये अपडेट आपको पता होनी चाहिए और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी, समझ में आया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा हो लाइक करके इनक्रेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए. टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स.